Good afternoon, students. Our today's topic is structure of simple present and present continuous tense. So आज हम simple present और present continuous tense के structure पे discuss करेंगे. Structural approach के through हम ये पढ़ा रहे हैं. So our today's topic of translation, simple present and present continuous tense. Myself, Srimati Renuka Pawar from Government Higher Secondary School, Malikheri. Our today's topic of simple present tense. Structure is simple present tense for present indefinite tense. आप note down कर लीजिए. Present indefinite tense का structure है subject plus verb plus object. Structure है present indefinite tense का subject plus verb प्लस ऑब्जेक्ट. बच्चों ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. सिंपल प्रेजेंट टेंस की आप हेल्पिंग वर्ब नोट कर लीजिए डू और डज. हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज डू एंड डज. तो डू हम किस किस के साथ यूज करते हैं नोट डाउन कर लीजिए. आई वी यू दे. डू हम किस किस के साथ यूज करते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ आई वी यू एंड दे. और डज किस किस सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं ही शी इट एंड नेम. किसी का नाम होता है एक्स वाई जेड राजू राहुल इस टाइप के नेम के साथ में अपन किसी के नाम के साथ में भी डज यूज करते हैं. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. फर्स्ट सेंटेंस हम ले रहे हैं सौम्या खाना खाती है. सौम्या खाना खाती है. सौम्या खाना खाती है. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. सौम्या इसमें सब्जेक्ट है. वर्ब क्या है टेक्स एंड फूड क्या होगा ऑब्जेक्ट. सौम्या सब्जेक्ट है. वर्ब क्या है टेक्स और ऑब्जेक्ट क्या है फूड. दुष्यंत और कृष्णा स्कूल जाते हैं. दुष्यंत और कृष्णा स्कूल जाते हैं. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. दुष्यंत एंड कृष्णा गो टू स्कूल. दुष्यंत एंड कृष्णा गो टू स्कूल. दुष्यंत एंड कृष्णा गो टू स्कूल. नेक्स्ट देखिए वाटर बॉयल्स 800 डिग्री सेल्सियस. वाटर बॉयल्स 800 डिग्री सेल्सियस. इसमें सब्जेक्ट क्या है वाटर. वर्ब बॉयल्स और ऑब्जेक्ट 100 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट सौम्या गोज टू स्कूल बाय बस. सौम्या गोज टू स्कूल बाय बस. इसमें सब्जेक्ट क्या है सौम्या. वर्ब गोज ऑब्जेक्ट टू स्कूल बाय स्कूल बस. अब अदर वर्ड में क्या क्या आता है सपोज करो यस्टरडे नेक्स्ट डे. This will come on other word. Present continuous tense पे आइए. Present continuous tense.
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर नोट कर लीजिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी। ये हम मेन वर्ब में ही आईएनजी ऐड कर देते हैं, इसलिए आप प्लस आईएनजी इसमें लिख लीजिए। स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसमें सब्जेक्ट में क्या आएगा, व्हाट विल कम इन सब्जेक्ट, ही शी इट आई यू वी दे, दीज आर कॉल्ड सब्जेक्ट। ही शी इट आई यू वी दे, दीज आर कॉल्ड सब्जेक्ट। एंड हेल्पिंग वर्ब, व्हाट डू वी कॉल हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर, वाज वर्ब, इज एम आर विच इज रिटन ऑलरेडी हियर, दिस विल कम इन हेल्पिंग वर्ब। और मेन वर्ब, व्हाट इज मेन वर्ब, मेन वर्ब में क्या आएगा, गो कम सिट, ये सब चीजें मेन वर्ब में आती हैं। मेन वर्ब में अपन आईएनजी प्लस कर देंगे तो कैसे होगा, गोइंग कमिंग स्लीपिंग, इस टाइप से सेंटेंस विल कन्वर्ट इन आईएनजी फॉर्म, वर्ब विल कन्वर्ट इन आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब आप सोच रहे होंगे सब्जेक्ट में क्या आएगा, तो मैं आपको बता रही हूँ, ही शी इट आई यू वी दे, दीज कम्स इन सब्जेक्ट, ये सब सब्जेक्ट में आता है। हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब में गो कम, जो भी हम काम करते हैं वो मेन वर्ब में आता है। सपोज करो इस टाइम आप कौन सा काम कर रहे हैं, यू आर रीडिंग, आप पढ़ रहे हो ना, तो रीड किस में आएगा, मेन वर्ब में। ठीक है, जो भी हम वट एवर वर्क वी विल डू इट कम्स इन मेन वर्ब। एंड बिसाइड्स मेन वर्ब एवरीथिंग जो हम सेंटेंस के लास्ट साइड में होता है वो हम सब ऑब्जेक्ट में रख देते हैं। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब नोट कर लीजिए आप। हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज एम एंड आर। हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज एम एंड आर। अब आप सोच रहे होंगे इज किसके साथ लगेगी, एम किसके साथ और आर किसके साथ हम यूज करेंगे, तो आई एम ऑल्सो शोइंग इट, यू विल यूज is helping verb to he, she, it और किसी का नाम, यदि किसी का नाम होगा तो उसके साथ में भी तुम is helping verb use करोगे। तो you may note down, note down करते जाइए जल्दी जल्दी, he, she, it और किसी का नाम name। next am, am helping verb सिर्फ I के साथ use होती है। okay, एम हेल्पिंग वर्ब सिर्फ आई के साथ यूज होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब इज आर। आर हेल्पिंग वर्ब विल यूज विद सब्जेक्ट यू वी दे। आर हेल्पिंग वर्ब विद यूज सब्जेक्ट ऑफ यू वी एंड दे। यू वी दे सब्जेक्ट के साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, आर। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, स्ट्रक्चर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। हेल्पिंग वर्ब इज ही शी इट के साथ में यूज करेंगे, एम आई के साथ और आर यू वी एंड
ते के साथ। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। यू आर शोइंग वेरी नाइस पिक्चर ओवर हियर। लिटिल बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। तो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। इसमें सब्जेक्ट क्या है? बच्चे। हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं तो वी विल यूज आर, हम आर यूज करेंगे, क्योंकि प्लूरल के साथ हम आर यूज करते हैं। जैसे यू और दे के साथ, ये देखिए मैं बैग लेके जा रही हूँ, दे और यू के साथ यहाँ आपने आर यूज किया है ना, तो बच्चे क्या है ना, देयर इज प्लूरल इन क्वांटिटी, ये प्लूरल है, प्लूरल में आएंगे। तो चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट। चिल्ड्रन इज सब्जेक्ट हियर, हेल्पिंग वर्ब इज आर, मेन वर्ब प्लेइंग और ऑब्जेक्ट इज क्रिकेट। समझते जाइए, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। ये हमने SHVO ये वाला फॉर्मूला अपन स्ट्रक्चर यूज किया, इसको आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, SHVO, इजीली याद हो जाएगा आपको, SHVO। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब या वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? चिल्ड्रन। हेल्पिंग वर्ब आर, मेन वर्ब प्लेइंग, खेलना। काम क्या कर रहे हैं बच्चे? खेलने का काम कर रहे हैं, तो प्लेइंग और क्रिकेट। रजनी गाना गा रही है। नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पर है, रजनी गाना गा रही है। रजनी गाना गा रही है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या है? रजनी। रजनी के बाद में हेल्पिंग वर्ब, चूंकि सिंगुलर है, नाम है, सो वी विल यूज इज हेल्पिंग वर्ब विथ रजनी। हेल्पिंग वर्ब इज, मेन वर्ब गाना गाना, वर्ब क्या कर रही है वो? शी इज सिंगिंग। सो मेन वर्ब इज सिंगिंग, सिंग में ING ऐड कर दिया, सिंगिंग अ सॉन्ग। रजनी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। रजनी गाना गा रही है। लुक एट हियर वेरी केयरफुली दिस सेंटेंस। दिस सेंटेंस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये हमने स्ट्रक्चर लगा दिया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, और सेंटेंस विल बी चेंज इन, रजनी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। रजनी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस, कृष्णा इज टेकिंग कॉफी इन द मॉर्निंग। कृष्णा इज टेकिंग कॉफी इन द मॉर्निंग। आई थिंक अब आप इजीली रिकॉग्नाइज कर लेंगे, कृष्णा क्या है? कृष्णा इज सब्जेक्ट हियर, हेल्पिंग वर्ब इज, मेन वर्ब टेकिंग, मेन वर्ब में ING प्लस कर दिया, टेकिंग कॉफी इन द मॉर्निंग। यू आर लुकिंग वेरी नाइस पिक्चर ओवर हियर। वन लेडी इज टेकिंग कॉफी। इट इज रेनिंग। स्टूडेंट दिस इज वेरी कॉमन सेंटेंस विच ऑलवेज आस्क इन एग्जामिनेशन। इट इज रेनिंग, नोट डाउन कर लीजिए, इट इज रेनिंग। इसमें इट सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, और मेन वर्ब में अपने ING ऐड कर दिया है, इट इज रेनिंग। दुष्यंत इज ड्राइविंग कार। दुष्यंत इज ड्राइविंग कार। दुष्यंत इज ड्राइविंग कार। इसमें सब्जेक्ट, व्हाट इज सब्जेक्ट? दुष्यंत इज सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज, मेन वर्ब ड्राइविंग, ऑब्जेक्ट इज कार। इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का आप लोग स्ट्रक्चर अच्छे से लर्न कर लीजिए, SHVO। दुष्यंत इज ड्राइविंग कार। अब हम नेगेटिव सेंटेंस पे भी डिस्कस कर लेते हैं।
ये सभी सिंपल सेंटेंस थे, सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के और सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। अब हेडिंग डालिए नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं बच्चों जिसमें हम नॉट का यूज करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में हम नॉट का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखिए, ए सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसको आप सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, एस एच एन वी ओ। इसमें बच्चों ये बहुत सिंपली आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। हेल्पिंग वर्ब के बाद में जस्ट अपने को नॉट ऐड करना होता है। सीता इज नॉट कुकिंग फूड, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस लिया है हमने। सीता इज नॉट कुकिंग फूड, यू आर नॉट लुकिंग नॉट गोइंग देयर, यू आर नॉट गोइंग देयर, वी आर नॉट फ्रेंड, आई एम नॉट मेकिंग नॉइस। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे आपको ट्रांसलेशन में सपोज करो नेगेटिव सेंटेंस बनाना नहीं आ रहा तो आप स्ट्रक्चर रख के उसे तुरंत कन्वर्ट कर सकते हैं, एस एच एन वी ओ। स्ट्रक्चर है एस एच एन वी ओ, इसे रख के बना दीजिए सीता इज नॉट कुकिंग फूड। इसमें ध्यान रखने वाली एक ही बात है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट को ऐड करना है। सीता इज नॉट कुकिंग फूड, यू आर नॉट गोइंग देयर, वी आर नॉट फ्रेंड, आई एम नॉट मेकिंग नॉइस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस पे आ जाइए, मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। इंटरोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी, फिर सब्जेक्ट देन मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। स्ट्रक्चर है इंटरोगेटिव सेंटेंस का, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। नोट डाउन करते जाइए, इज सीता कुकिंग फूड, इज सीता कुकिंग फूड, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं। इज सीता कुकिंग फूड, आर यू गोइंग देयर, आर वी फ्रेंड, एम आई मेकिंग नॉइस। मतलब इसमें हम हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आते हैं और सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक वाक्य में चेंज हो जाएगा। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के लिए कुछ वाक्य लिखिए, मैं स्कूल जा रहा हूं, माँ खाना नहीं बना रही है, शिक्षक स्कूल में पढ़ाते हैं, मैं स्कूल जा रहा हूँ, माँ खाना नहीं बना रही है, शिक्षक स्कूल में पढ़ाते हैं। आंसर इज आई एम गोइंग टू स्कूल। आंसर देखिए, मैं स्कूल जा रहा हूँ का आई एम गोइंग टू स्कूल, मदर इज नॉट कुकिंग फूड, टीचर टीच इन द स्कूल। प्रैक्टिस में आपको वर्ब दिया था मैं स्कूल जा रहा हूं, इनको यू हैव टू कन्वर्ट दिस सेंटेंस, यू हैव टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इन इंग्लिश। मैं स्कूल जा रहा हूं,
माँ खाना नहीं बना रही है, शिक्षक स्कूल में पढ़ाते हैं। आप स्ट्रक्चर रखे, इसको कन्वर्ट कर दीजिए। मैं स्कूल जा रहा हूं, पहले ये देखिए कि कौन सा टेंस है, इजीली आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। रहा हूं, ये कंटिन्यूअस है दोनों, ये इनडेफिनिट है, प्रेजेंट सिंपल है। प्रेजेंट सिंपल टेंस को ही हम प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। आई एम गोइंग टू स्कूल, द आंसर ऑफ फर्स्ट सेंटेंस, आई एम गोइंग टू स्कूल। सेकेंड, मदर इज नॉट कुकिंग फूड। थर्ड, टीचर्स टीच इन द स्कूल। प्रोडक्शन, इसमें आप कुछ होमवर्क नोट कर लीजिए। बारिश हो रही है, सूरज पूरब में उदय होता है, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। बारिश हो रही है, सूरज पूरब में उदय होता है, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। तो आज हमने स्ट्रक्चर पर डिस्कस किया, जिसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर पर डिस्कस किया। सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसका स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट एस वी ओ, इसके बाद में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर पर भी डिस्कस किया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फिर हमने इसके बाद में निगेटिव सेंटेंस पर डिस्कस किया कि निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या था, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसके बाद में जो हमने प्रैक्टिस में आपको सेंटेंस दिए, इनको आप इनकी हेल्प से, आप स्ट्रक्चर की हेल्प से इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कंटिन्यूअसली आप स्ट्रक्चर को रख के सॉल्व करेंगे तो स्पीडली आप सॉल्व करने के लिए कैपेबल हो जाएंगे, सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। प्रोडक्शन पार्ट में हमने आपको कुछ सेंटेंस दिए हैं घर पे प्रैक्टिस के लिए। बारिश हो रही है, सूरज पूरब में उदय होता है, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। मायसेल्फ श्रीमती रेणुका पवार, सीनियर टीचर फ्रॉम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मालीखेड़ी भोपाल, गिविंग थैंक्स टू श्रीमती रजनी शेहर, हेड मिस्ट्रेस इन महावीरपुरा डिस्ट्रिक्ट गुना। तो बच्चों, ये स्ट्रक्चर आपने जो प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के स्ट्रक्चर पर डिस्कस किया, इनको लर्न करते रहिए। एसवीओ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और एसएचवीओ ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। इसको लर्न करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप शॉर्ट में भी याद कर सकते हैं और इसके थ्रू आप सेंटेंस घर पे बना बना के प्रैक्टिस कीजिए।